कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सब ने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है, और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा, और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है, मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है, मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है, मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है, और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। और इसी के कारण जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो दुनिया को भी उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है, और इसलिए हमें उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है, हमें अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। भारत के चिंतन में भारत जैसे विशाल देश, भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश, आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई गति नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। भारत विश्व एक परिवार के संस्कारों से पला बड़ा हुआ है। अगर वेद कहते थे वसुधैव कुटुंबकम तो विनोबा जी कहते थे जय जगत, और इसलिए हमारे लिए विश्व एक परिवार है, और इसलिए आर्थिक विकास भी हो लेकिन साथ साथ मानव और मानवता का भी केंद्र स्थान होना चाहिए, इसका महत्व होना चाहिए, उसी को लेकर के हम चलते हैं। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, और इसलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए भी ये भारत का कर्तव्य है, और भारत को अपना योगदान बढ़ाना है तो भारत को स्वयं को सशक्त होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, हमें जग कल्याण के लिए भी अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना ही पड़ेगा। और जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, हमारा अपना सामर्थ्य होगा, तो हम दुनिया का भी कल्याण करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। हमारे देश में अथाह प्राकृतिक संपदा है, क्या कुछ नहीं है,
आज समय की मांग है कि हमारे इन प्राकृतिक संसाधनों में हम वैल्यूएडिशन करें, हम हमारे मानव संपदा में मूल्य वृद्धि करें, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और हम देश में कब तक कच्चा माल विदेश भेजते रहेंगे, रॉ मटेरियल कब तक दुनिया में भेजते रहेंगे। और देखिए तो रॉ मटेरियल दुनिया में भेजना और फिनिश गुड को दुनिया से वापस लाना, ये खेल कब तक चलेगा। और इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमारी हर शक्ति पर वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य वृद्धि करना है, ये हमारा दायित्व है। ये वैल्यू एडिशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विश्व में योगदान करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्व में हम कुछ न कुछ उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र, एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है, आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है और इसलिए अब आप देखिए, स्पेस सेक्टर में हमने खुला कर दिया, देश के युवाओं को अवसर मिला है। हमने कृषि क्षेत्र को कानूनों से मुक्त कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया, हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया हुआ है। जब भारत स्पेस सेक्टर में पावर ताकतवर बनता है तो पड़ोसियों को जरूर उसका लाभ होता है। जब आप ऊर्जा के क्षेत्र में पावरफुल होते हैं तो जो देश अपना अंधेरा मिटाना चाहता है भारत उसमें मदद कर सकता है। देश के जब हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को टूरिज्म के रूप में, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी हो। और एक जमाना था हमारे देश में जो चीजें बनती थी, हमारे स्किल मैन पावर के द्वारा जो काम होता था उसकी दुनिया में बहुत वाहवाह होती थी, इतिहास गवाह है। हमें जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब सिर्फ इंपोर्ट कम करना इतना ही हमारी सोच नहीं है। जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब हमारी ये जो कौशल्य है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का सामर्थ्य है, जब चीजें बाहर से आने लगती हैं तो उसका वो सामर्थ्य खत्म होता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नष्ट हो जाता है। हमें हमारे उस सामर्थ्य को बचाना भी है, बढ़ाना भी है, कौशल्य को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमें स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बल देना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, हमारे सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए।